बसमिल स्टूडेंट्स मैं हूं वाजिद अली कंबो आपका केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर सिक्सटीन आज हम इस चैप्टर का आगाज कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो फोर हैं उनमें हम दो पहले जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करें तो ये हम आगाज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट चैप्टर सिक्सटीन जो है हमारी सेकेंड ईयर बुक का ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रेलिवेंट है अब ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है इसको हम डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सोर्सिस रिएक्शंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स यानी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके सोर्सेस क्या है इनके रिएक्शंस क्या है इनकी ट्रांसपोर्टेशन और इन प्लूटेंट्स के ह्यूमन बींग्स पर क्या एडवर्स इन सब चीजों को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में ये ये पढ़ते हैं हैं ना कि ये जो प्लूटेंट्स ये कहां से क्रिएट कहां से होते हैं इनका ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर है अफेक्ट क्या और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दीगर साइंसिस के साथ क्या फिजिक्स के साथ बायो के साथ हेल्थ के साथ Uh, इसी तरह सॉयल सॉयल साइंस के साथ इनका इंटर रिलेशन किया है ये तमाम की तमाम जो बातें हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन इसको याद करना है और जो मेन फोकस इसमें है वो लफज प्लूटेंट्स पर है प्लूटेंट्स के सोर्सेज प्लूटेंट्स के रिएक्शन प्लूटेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन और प्लूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन बीइंग्स पर इन्वायरमेंट पर क्या असरात हैं उन सब को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते स्टूडेंट आज का पहला जो क्वेश्चन दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट बार दफा ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर ही आपसे पूछ सक पूछ लेते हैं कि बताएं जी कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट तो माय डियर स्टूडेंट इन्वायरमेंट के फोर कंपोनेंट्स हैं यू हैव द एटमोस्फियर हाइड्रोसफियर लिथोसफियर बायोसफियर अगर क्वेश्चन आए कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो आप कहेंगे इन हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द टू पे हाइड्रोसफियर नंबर थ्री पे लिथोसफियर एंड नंबर फोर बायोसफियर इस लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको एटमोस्फियर और हाइड्रोस्फियर इन दोनों की डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर इसको डिस्कस करेंगे तो पहले हम आगाज किससे करते हैं एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या है हम किसे एटमॉस्फेयर कहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट देखें द लेयर ऑफ गैसेस द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर देखें अर्थ के गीत जमीन के गीत ये गैसेस की जो लेयर है दैट इज कार द एटमोस्फियर साइंटिस्ट ने ना इसको इसको हमारी बुक्स के मुताबिक चार हिस्सों में लेकिन बाज के मुताबिक पांच हिस्सों में इसको डिवाइड किया ये एटमोस्फियर ये जमीन की सतह से लेकर थाउजेंड किलोमीटर ऊपर तक दिस वन इज द एटमोस्फियर दिस वन इज द लेयर ऑफ गैसेस अब इसके ये मुख्तलिफ हिस्से हैं आपके पास ये टोपोस्फियर है मीजोस्फियर है थर्मोस्फियर ये ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं एटमोस्फियर के तो डियर स्टूडेंट दोबारा देख रहे हैं एटमोसफियर हम किसे कहेंगे द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ यानी गैसेस की वो लेयर जो जमीन को सराउंड किए हुए दिस वन इज कॉल्ड द एटमोसफियर अब मैं आपको ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है मैं ना एटमोसफियर इसको तीन हेडिंग्स में आपको याद करवाना चाहूंगा समझाना भी चाहता हूं साथ याद भी करवाना चाहता हूं पहला आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली ना कि एटमोस्फियर है क्या पहले आप कंपोजिशन की तरफ आए कि जो आएमोस्फियर है इसमें मेजर कौन कौन सी मेन गैसेज इसमें कौन कौन सी है और उनकी परसेंटेज क्या है तो मेजर गैसेज इन दर देर नाइट्रोजन सेवन एट परसेंट यू हैव द ऑक्सीजन 21 परसेंट यू हैव द आर्गन 0.9 परसेंट यू हैव द कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 परसेंट माय डियर स्टूडेंट ये जो चार हैं आई मीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर द मेजर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और हर एक की मैंने परसेंटेज भी साथ लिखी इनके साथ साथ कुछ ना गैसेस विच आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट बहुत कम मिकदार में Uh, कुछ और गैसेज हैं वो भी हवा में मौजूद है एटमोस्फेयर में एटमोसफियर में मौजूद है एंड दे आर द हाइड्रोजन ओजोन मीथेन कार्बन मोनोक्साइड ही आपने नोबल गैसेस को देखे नोबल गैसेस आपके पास स्टूडेंट क्या है नोबल गैसेस आपके पास है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनो रेडॉन रेडॉन रेड ऑन तो रेडियो उसको छोड़ दो बाकी पांच की बात करें जो जो आपके पास आर्गन है आर्गन ज्यादा مقدار में मौजूद है आर्गन को हम ना मेजर गैस के तौर तो पर लेते हैं तो आर्गन से हटकर बाकी जो हीलियम है नियॉन है क्रिप्टॉन है ज़ीनॉन है दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन एटमॉस्फेयर तो आर्गन जो है आर्गन ज्यादा مقدار में पाई जाती है बाकी जो नोबल गैसेस हैं यानी हीलियम है नियॉन है क्रिप्टोन ज़ीनॉन दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट अब दूसरी बार कंपोजिशन uh, में क्या आपने पढ़ा मेजर गैसेस कौन सी हैं चार हैं हर एक की परसेंटेज ट्रेस गैसेस कौन सी हैं ये हमने पढ़ा थोड़ी मकदार में मौजूद है साथ ही साथ एक और भी बात एटमोस्फियर ऑल्सो कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स उसकी वो भी मौजूद हैं तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो तीन बातें आ गई मेजर गैसेज कौन कौन सी हैं ट्रेस गैसेज कौन कौन सी है एंड एटमोसफियर वेपर प्लेज रोल इन सस्टेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यह तो मेरे पास एटमोसफियर की कंपोजिशन आ गई अब हम आगे एक और हेडिंग की तरफ बढ़ते माई डियर स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद मैंने एक हेडिंग बना रही है मैग्नीच्यूड मैग्नीच्यूड में दो बातें हैं पहली बात पहली बात यह है द थिकनेस द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट अबाउट थाउजेंड किलोमीटर अब अर्थ सर्फस अगर आप देखेंगे ना तो अर्थ सर्फस इससे ऊपर थाउजेंड किलोमीटर तक यह जो गैसेस की लेयर है ऑल दिस वन इज द एटमोस्फियर थाउजेंड किलोमीटर तक रफली थाउजेंड किलोमीटर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये मैंने अभी भी आपसे जिक्र किया ये जो एटमोसफियर है इसको मजीद बाद बुक्स के मुताबिक फोर पार्ट्स में चार हिस्सों में बाज के मुताबिक पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है यह आपके पास वो फाइव डिफरेंट जोन है फाइव डिफरेंट जोन है जिसमें एटमोस्फियर को हम जिसमें रहते हैं दैट इज द ट्रोपोसफियर हम ट्रोपोसफियर में होते हैं माई डियर स्टूडेंट एक और भी अहम बात हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द मैस ऑफ एटमोसफियर इज कंसनट्रेटेड इन द फाइव सिक्स किलोमीटर यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो गैसेज हैं जो एटमोस्फियर में मौजूद हैं ये गैसेज इनका मोलेकुलर मैस ज्यादा होता है यानी yani, कंपेरिटिवली ये हैवी गैसेस जिसकी वजह से यह एटमोसफियर के ऊपर नहीं ये एटमोसफियर के निचले हिस्से में रहती है ट्रोपोस्फियर में ज्यादातर यानी अब हमने क्या पढ़ा हमने कहा कि जी ये जो एटमॉस्फेयर का जो तकरीबन हाफ मैस है वो 5.6 किलोमीटर इसकी रेंज में मौजूद है यानी अगर मैं फर्ज करता अगर मैं फर्ज करूं फर्ज कर रहा हूं कि अगर एटमॉस्फेयर का टोटल मैस जो है वो टोटल मैस वो 100 के है टोटल मैस तो 100 में से जो 50 के मैस है ना वो इस 5.6 किलोमीटर के एरिया में मौजूद है यानी या, या, बात क्या समझनी बात यह समझनी है कि एटमोसफियर में मौजूद ये वाटर वेपर्स और ये डिफरेंट गैसेज जिसमें नाइट्रोजन है जिसमें ऑक्सीजन है ये हैवी है और हैवी होने की वजह से वो आप जानते हैं ग्रेविटी की वजह से ये एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में मौजूद रहती हैं ये दो बातें जो है ना ये आप मैग्नीट्यूड के हेडिंग से यानी पहला हेडिंग आपके पास क्या आया पहला हेडिंग था कंपोजिशन का दूसरा हेडिंग आपके पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ इसकी अहमियत क्या है ये किस तरह हमारे लिए मुफीद है कुछ पॉइंट माय डियर स्टूडेंट पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर जिनका मैंने जिक्र किया जिनमें मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन वगैरह इनका जिक्र किया द गैसेज इन दटमोस्फियर एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज एंड मेजर पोर्शन ऑफ द हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा होता यह है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है जो लाइट सन से आ रही है उसमें कॉस्मिक रेज के साथ साथ बहुत हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिसमें आप यू भी पढ़ते हैं। अगर ये रेज अगर ये रेज एटमोस्फियर में अब्सॉर्ब ना हो ना और ये रेज जमीन तक पहुंच जाए तो ये जमीन पर मौजूद लाइफ जिसमें एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं लाइफ को कर दे तो कुदरत ने एटमोसफियर हमारे लिए एक एक अम्ब्रेला है जो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है आपने आप पढ़ते हैं और आगे चलकर इन हम पढ़ेंगे भी कि ओजोन जो है ओजोन सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वॉय रेज उनको ब्लॉक करती है और उन हार्मफुल रेज को जमीन और ये जो ओजोन है कहां मौजूद है इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफियर में मौजूद है इज़ अ पार्ट ऑफ़ द एटमोस्फियर माय डियर स्टूडेंट इसका पहला काम क्या हुआ atmosphere, ये कॉस्मिक uh, रेज और मेजर पोर्शन ऑफ हार्मफुल रेडिएशन उनको ब्लॉक करता है उनको कंट्रोल करता है और यू जमीन पर लाइफ को ये लाइफ को महफूज बनाता है दूसरा काम दूसरा काम है द यानी गैसेज गैसेस प्रेजेंट इन एटमोस्फियर आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ जमीन पर जिंदगी के वजूद के लिए एटमोस्फियर में मौजूद गैसेस का होना जरूरी है अच्छा वो कैसे देखें ऑक्सीजन मौजूद है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कहां से हम सांस लेते हैं हम एटमोसफियर में मौजूद जो ऑक्सीजन है

चीज नाइट्रोजन जो कि एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन इज यूज बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये एटमोस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन इसको यूज करते हैं एक और चीज वाटर वेपर्स की बात गैसेस के साथ सर वाटर वेपर्स मौजूद है एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाटर वेपर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम है पहले किसकी इंपॉर्टेंस बताई ऑक्सीजन की किसके लिए जरूरी है ब्रीदिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है प्लांट फोर के लिए नाइट्रोजन कहां पे इस्तेमाल होती है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनको इस्तेमाल वाटर वेपर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ चीजें जो आपके पास यानी ये वो एटमोसफेरिक गैसेज हैं ये वो एटमोसफेरिक गैसेज हैं जो जो लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी इसके अलावा इसके अलावा और क्या यूजफुलनेस है जरा उसको भी देखते माई डियर स्टूडेंट तीसरी बात जो यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में वो ये है कि एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबिंग, ग्लोबल वार्मिंग का एक आप खतरा वो जेन में आप सुन रहे हैं आप लोग आने वाले दिनों में वो जमीन पर लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है एटमोसफियर का, का काम क्या है एटमोसफियर जो है वो जमीन के ऊपर टेम्परेचर को हीट को बैलेंस रखने में मदद देता है हीट को जहां पे टेम्परेचर राइज करेगा उसको उसको बैलेंस करने के लिए एटमोसफियर में मौजूद गैसेज जो है वो अपना रोल प्ले करेंगी एटमोसफियर में मौजूद वाटर वेपर्स अपना रोल प्ले कर तो ये याद रखना स्टूडेंट कि एटमोसफियर मेंटेन्स द मेंटेन्स द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ अर्थ के हीट बैलेंस को बरकरार रखने में बहुत बड़ा रोल है एटमोसफियर माई डियर स्टूडेंट ये हमने चीजें पढ़ी थी एटमोसफियर के बारे में एटमॉसफियर पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि जमीन के गिर्द लेयर ऑफ गैसेस उसको हम एटमोसफियर कहते हैं फिर हमने एटमोसफियर के बारे में मुख्तलिफ हेडिंग मैंने मैंने कंपोजिशन का हेडिंग दिया मैग्नीट्यूड का हेडिंग दिया और फिर यूजफुल इन चीजों को आपने याद इसी तरतीब के साथ मैं वही चीजें आपको याद करवा रहा हूँ वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में पैसे तो एटमोसफियर इसका ऐसा ये सब्जेक्ट है ऐसा ये टॉपिक है कि इस पर जितनी मर्जी आप इसको फैलाते जाए जितनी मर्जी आप बहस करते जाए ये खत्म ना होने वाला लेकिन हम बुक का जो मटीरियल है उसको सामने रखते हुए ये चार चीजें याद करेंगे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन फिर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन एटमॉस्फेयर के लिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में मैंने दो बातें की और फिर इसकी यूजफुलनेस माय डियर स्टूडेंट दूसरा जो कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है दैट इज द हाइड्रोस्फीयर नाम हाइड्रो मीन वाटर हाइड्रोस्फीयर यानी जमीन के ऊपर जो वाटर बॉडीज हैं वो सारी की सारी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है देखें हाइड्रोस्फीयर में हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोस्फीयर इट इंक्लूड्स क्या क्या वाटर बॉडीज जिसमें ओशंस हैं, रिवर्स हैं स्ट्रीम्स हैं लेक्स हैं पोलर आइस कैप्स हैं ग्लेशियर्स हैं और ग्राउंड वाटर स्पेश ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स ये तमाम जो मैंने चीजें यहां पे लिखी ना ऑल दिस वन इज कॉल्ड द हाइड्रोसफियर जमीन पर जहां जहां वाटर मौजूद है वाटर वेपर्स नहीं वाटर वेपर्स तो एटमोसफियर के आ है ना जमीन पर जो वाटर बॉडीज हैं, मैं दोबारा उनका नाम बता रहा हूं वाटर बॉडीज में आपके पास ओशन है आपको पता है कि देर आर फाइव ओशंस ऑन अर्थ पांच हैं ओशंस नाम आते एक आपके पास ये इंडियन ओशंस है आपके पास ये सदरन ओशन है पैसिफिक ओशन है आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक है, आर डिफरेंट ये दूसरा आपके पास क्या रिवर्स बहुत बड़ी तादाद दुनिया में बहुत बड़े पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे चनाब वी जिसमें तीन बहुत ज्यादा फंक्शनल है अब इस तरह दुनिया में द्रया नील आपने सुना हुआ है दुनिया में बहुत ज्यादा रिवर्स फिर आपके पास स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स लेक्स कई लेक्स के आप झील झीलें जिसे हम कह रहे हैं स्टूडेंट पोलर आइस कैप्स पोलर आइस कैप्स अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली यू हैव द ग्लेशियर्स और इस तरह ग्राउंड uh, वाटर जो वाटर uh, जेरे जमीन जो पानी है वो भी इसमें शामिल है ऑल दिस कंस्टीट्यूट द हाइड्रोसिफियर ये सारा हाइड्रोसिफियर कहलाता है माय स्टूडेंट मैं ना तीन चार पॉइंट्स आपको गोश्त गुजार करना चाहता हूं आपको याद करवाना चाहता हूँ एक तो आपको पता होना चाहिए ना किन किन वाटर बॉडीज को हम हाइड्रोस्फियर में इंक्लूड कर रहे अब नेक्स्ट पॉइंट ओशन कंटेन्स ओशन जिसे हम उर्दू में ना उर्दू में हम ओशन को बहर कहते हैं बहर उर्दू में हम इसे कहते हैं बड़ा समंदर बड़ा समंदर एक होता है ना ओशन एक सी सी छोटा समंदर ओशन बड़ा समंदर फाइव ओशंस आर इन वर्ल्ड दुनिया में पांच बड़े बड़े ओशंस है पांच बड़े बड़े बहर है माई डियर स्टूडेंट ओशन कंटेंट नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर इसका मतलब है पानी पानी जो है वो ज्यादातर ओशंस की सूरत में मौजूद है अब इसमें यह भी याद रखना कि ओशन वाटर इज साल्टी नमकीन होता है और इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजशन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट ट्रीटमेंट हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दो बातें इसमें ओशंस मैन वैसे याद करवाने के लिए फाइव ओशंस और इसमें नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ द अर्थ वाटर इसमें मौजूद है इसका वाटर साल्टी होता है जो ह्यूमन कंजन इंसानी इस्तेमाल के लिए काबल नहीं है स्टूडेंट उसके बाद ओशंस के बाद आप एक आगे बढ़ो और वो आपके पास है पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स पहले तो आप देखेंगे ना ये पोलर आइस कैप्स है पोलर आइस कैप्स ये जो जमीन है ये ये इसके जो दोनों एंड्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल्स वहां पे ये बड़े बड़े इसे हम कहते हैं पोलर आइस कैप्स और ये बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ हैं कॉल्ड ग्लेशियर्स तो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर ये आपके जेन में आने चाहिए कंसिस्ट ऑफ टू परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल वाटर सप्लाई 97% सेवन परसेंट ओशंस में वाटर मौजूद है टू परसेंट पानी जो है वो पोलर स्कैप्स और ग्लेशियर की शक्ल में मौजूद है तो नाइनटी टू और ये टू एड कर नाइनटी सेवन और टू एड करेंगे नाइन्टी नाइन परसेंट अब फ्रेश वाटर नाइंटी सेवन प्लस टू नाइंटी नाइन परसेंट एक फीसद रह गया और वो क्या है फ्रेश वाटर माई डियर स्टूडेंट ऑनली वन परसेंट ऑफ द टोटल अर्थ वाटर सोर्सेज़ फ्रेश वाटर तकरीब जितने भी जमीन पर वाटर सोर्सेज़ हैं उनमें एक फीसद में सरफेस वाटर जो जमीन की सतह पर किस किस शक्ल में रिवर्स की फॉर्म में लेक्स की फॉर्म में स्ट्रीम की फॉर्म तो रिवर्स दरियाओं का पानी झीलों का पानी नदी नालों का पानी दिस वन इज द सरफस वाटर सिमिलरली हमारे पास फ्रेश वाटर ग्राउंड ग्राउंड जमीन, जेरे जमीन पानी की सूरत में भी मौजूद है जिनको हम, जिनको हम वेल्स के जरिए जिनको हम वेल्स के जरिए कुओं के जरिए या और तरीकों से जमीन से पंप आउट करते हैं, जमीन से निकालते हैं और फिर उसको आप पाशी के लिए या डोमेस्टिक परपज के लिए पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेश वाटर सिर्फ एक फसल वन परसन आपके पास पोलरा स्केप्स और ग्लेशियर में परसेंट वाटर सोर्सेज और सबसे ज्यादा पानी जो है वो ओशन की सूरत में मौजूद है डियर स्टूडेंट इनके साथ साथ एक और बात भी मैं याद चाहता हूं हमने कहा कि जो है है। है। ये ये सिर्फ अब वाटर की कंजम्पशन क्या है कंजम्पशन को अगर आप देखेंगे ना तो डियर स्टूडेंट फ्रेश वाटर जो है ये एग्रीकल्चर में जरात में खेती बाड़ी में सिक्सटी नाइन परसेंट इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में ट्वेंटी थ्री परसेंट इस्तेमाल होता है और घरेलू इस्तेमाल के लिए डोमेस्टिक के लिए ये सिर्फ आठ फीसद इस्तेमाल ये जो ये मैंने आपको बताया ना परसेंटेज ये कंजम्पशन ऑफ फ्रेश वाटर जो ताजा पानी है जो दरियाओं में है जो लेक्स में है जो स्टीम्स में है जो आ, अंडर वाटर टेबल है तो वो दैट इज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल हुआ एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हुआ इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुआ डोमेस्टिक परपज के लिए कितने कितने परसेंट वो मैंने आपको बताया दिया माई डियर स्टूडेंट हमने दो कंपोनेंट्स ऑफ द इनवायरमेंट पढ़े हमने एटमोसफियर को पढ़ा हमने हाइड्रोसफियर को पढ़ा तो कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कितने हैं फोर बाकी जो दो हैं लिथोसफियर और बायोसफियर ये दो जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए अल्लाह आप पर अपना कर फरमाए अल्लाह ताला आपके इलम में इजाफा फरमाए अल्लाह ताला आपको बड़ों का एहतराम और छोटों से शफकत से पेश आने तौफीक दे तोफी थे व रहमतुल्लाह